पर स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाला केस में जेल में बंद हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से की आज सुनवाई की मांग। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाया है स्टे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी अभी तक जेल के अंदर ही है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जमानत पर स्टे लगा दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, और ऐसे में आज उसी स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है अरविंद केजरीवाल ने। ऐसे में आज ही इस पूरे मामले पर सुनवाई की मांग केजरीवाल के वकीलों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल 20 जून को बताते चले कि राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा तिहाड़ जेल में बंद कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को रात 8 बजे बेल मिली थी। संभवतः यही था कि 21 जून को वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद ईडी ने, क्योंकि जैसा खबर आ रही थी निकलकर कि ईडी जरूर इस जमानत पर स्टे लगा सकता है, वैसा ही हुआ। हाई कोर्ट में रुख करते हुए ईडी ने साफ तौर पर कहा कि उसको मोहलत नहीं मिली है, उसको मौका नहीं मिला है अपने पक्ष को रखने के लिए। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक 21 जून को जब तक ईडी की कार्रवाई पर वहां पर सुनवाई होगी, तब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे। और इस स्टैंड को लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट सीधा पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम करेंगे लाभार्थियों से संवाद। सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश भर के लाभार्थियों से संवाद करने वाले हैं। बताते चले बीजेपी की तरफ से जो भी कार्यक्रम जुटाए जा रहे हैं और सीधा जो लाभार्थियों को फायदा पहुंच रहा है, उन सभी लाभार्थियों से आज का संवाद का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन लाभार्थियों से ये संवाद की जाएगी। ऑनलाइन संवाद बताई जा रही है कि सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे कि क्या उनको पेंशन सही से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, किस तरह की उनको खुशी है या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो बड़ी तादाद में सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन लाभार्थियों से आज सीधा ऑनलाइन संवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश भर के लाभार्थियों से आज संवाद करने वाले हैं, और सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किया जाएगा। इसी के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश भर के लाभार्थियों से भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन लाभार्थियों से भी ऑनलाइन संवाद ये रहने वाला है। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम है जहां पर लाभार्थियों से संवाद मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है उसका कितना फायदा हो रहा है, इस पर चर्चा हो। और अब इस बीच जयपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार सीएस सुधांशु पंत एक्शन में नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर एक्शन में नजर आते हुए सीएस सुधांशु पंत आज सचिवालय में एक बहुत बड़ी अहम बैठक लेने वाले हैं। 100 दिवसीय कार्य योजना और बजट घोषणाओं को लेकर यह बैठक रहेगी। इंटर डिपार्टमेंटल पॉइंट्स को लेकर बैठक रहेगी। 10:30 बजे होगी सचिवालय में यह बैठक। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की इसमें समीक्षा की जाएगी। 11:30 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। तो 10:30 बजे सचिवालय में बैठक बताई जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो इंटरिम बजट में लाया गया था उसमें कितनी प्रगति है उसकी समीक्षा की जाएगी, कितना धरातल पर उस पर काम हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। वो समीक्षा 11:30 बजे सचिवालय में उसके लिए बैठक होगी। 10:30 बजे इंटर डिपार्टमेंटल पॉइंट्स पर बैठक होगी, उसके अधिकारी मौजूद होंगे। क्या डिपार्टमेंट्स में क्या कुछ काम हुआ है, 100 दिन का जो दिवसीय कार्य योजना थी उसको लेकर यह बैठक बताई जा रही है। घोषणा बजट घोषणाओं के लिए ये बैठक अहम बुलाई गई है। उसके बाद स्टेट ब्रांडेड मिशन को लेकर भी ये बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है, और ये बैठक स्टेट ब्रांडेड कमेटी की 12:30 बजे है प्रस्तावित। फिर उसके बाद 4:30 बजे भी कृषि विपणन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। तो ना सिर्फ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति बिजली की योजना की प्रगति होगी बल्कि कृषि विपणन की प्रगति की समीक्षा 4:30 बजे होगी। 12:30 बजे स्टेट ब्रांडेड कमेटी की दोपहर में बैठक होगी। 100 दिवसीय कार्य योजना और बजट घोषणाओं को लेकर इंटर डिपार्टमेंटल पॉइंट्स को लेकर भी 10:30 बजे बड़ी बैठक ये सुधांशु पंत लेने जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कोटा से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करेगी और प्रदेश स्तरीय ये कांग्रेस का प्रदर्शन बताया जा रहा है बिजली कटौती और तमाम अन्य समस्याओं को लेकर। बिजली कटौती, पेयजल, नीट मामलों को लेकर ये प्रदर्शन रहेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो कोटा से अहम खबर है, कांग्रेस आज प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने वाली है। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन रहेगा। साथ ही पानी को लेकर भी ये
दिक्कतें जो लगातार सामने आ रही हैं उसको लेकर भी कांग्रेस आज प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने वाली है। बिजली कटौती की समस्याओं को लेकर भी ये प्रदर्शन रहेगा। तो चाहे नीट हो या अघोषित बिजली कटौती, पेयजल व्यवस्था, कानून व्यवस्था, नीट पेपर लीक मामलों पे कांग्रेस प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इसको लीड करेंगे। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर दो पक्षों में विवाद मामले में अपडेट सामने आए हैं। पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए हैं। पुलिस ने एक शख्स को भी इस दौरान डिटेन किया है। तो दो पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई, एक व्यक्ति को डिटेन किया गया। पुलिस ने शांति बनाए रखने की दोनों पक्षों से अपील की है और उसके बाद पुलिस ने शांति अपील की, मार्च भी पुलिस के द्वारा निकाली गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की भीलवाड़ा से बता रहे हैं, जहां दो पक्ष में विवाद हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रात की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं दोनों पक्ष आमने सामने विवाद करते हुए नजर आए। पुलिस को जैसे सूचना मिली वैसे पुलिस वहां विवाद स्थल पर पहुंची, उसके बाद दोनों पक्षों को समझाने में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या भी सिचुएशन है वहां की? ये जिला अस्पताल का जो पार्क पे उसमें विवाद हुआ था, जहां पर एक पक्ष शाखा चला रहा था और दूसरा पक्ष क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान शाखा पर हमला कर दिया जाता है। उस प्रकार से पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस वहां पे पहुंचती है, जाप्ता वहां पे पहुंचता है और जो एक व्यक्ति है उसको डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद भी जो एक पक्ष था वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था, जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा था। 3-4 घंटे प्रदर्शन चला है। एडिशनल एसपी उमर सिंह नेहरा मौके पहुंचे थे, सीओ सिटी अशोक जोशी थे, आशुतोष पांडे जो थानाधिकारी पहुंचे थे, अन्य थानों का भी जाप्ता और थानाधिकारियों को बुला लिया था ताकि कोई अनहोनी ना हो। लगातार पुलिस समझाइश कर रही थी, शांति बनाने की अपील कर रही थी। देर रात तक प्रदर्शन चला, समझाइश जो पुलिस की है वो रंग लाई, बातचीत हुई है और जो एक पक्ष है उसने 24 घंटे की मांग की है कि 24 घंटे में जो अन्य अपराधी है या जो अन्य व्यक्ति है, जो भी आरोपी है जिनको नामजद किया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो दो पक्षों के विवाद का मामला इस वक्त भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पर दो पक्ष को समझाने के लिए पुलिस गई, देर रात तक समझाइश हुई। फिलहाल अभी वहां का माहौल बिल्कुल शांत है। संघ स्थान महात्मा गांधी पार्क के अंदर योजनाबद्ध तरीके से बैट बॉल बल्ले लेकर आए और जहां शाखा लग रही थी वहां मारपीट करी। उस विषय को लेकर भीमगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज है। प्रशासन ने बताया कि हम एक दो व्यक्तियों को लाए हैं। एनजीएस में पार्क में खेलने की बात को लेकर दो पक्षों में कहा सुनी और मारपीट की घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश कर तितर बितर किया गया। उसके बाद में थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। और अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के मन्नाका गांव में हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज खान और उसके परिजनों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया और पथराव करने के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा, पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान के आरोप में हिस्ट्री शीटर बदमाश के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर हिस्ट्री शीटर का मकान, पत्थरबाजी, हमला और बदमाश फिरोज खान। हमले के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, पूरा परिवार गिरफ्तार, मकान पर रेड निशान। ये वही बदमाश फिरोज खान का मकान है जो अलवर का हिस्ट्री शीटर है। सरकारी जमीन पर अपना 2 मंजिला मकान बनाए हुए है, खुद तो हिस्ट्री शीटर है ही, पूरे परिवार को पत्थरबाज बना रखा है। जी हाँ, वैशाली नगर थाना क्षेत्र के मन्नाका गांव में पुलिस पर हमला, पथराव करने के बाद पुलिस ने राजकार में बाधा, पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान के आरोप में पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। वही हिस्ट्री शीटर बदमाश के सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। इसके लिए पुलिस ने राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश करवाई, जहां सरकारी भूमि पर बने मकान को चिन्हित कर रेड निशान लगाए गए, साथ में आलीशान मकान के बाहर सरकारी भूमि भी लिख दिया गया है।
पुलिस का जब्ता तब मन्ना का गांव पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ पाया गया। मर्डर की धमकी, रंगदारी, पेट्रोल पंप लूट का आरोपी हिस्ट्री शीटर अलवर में भाईचारा सम्मेलन करने जा रहा था, जिसकी सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तो परिवार ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और हिस्ट्री शीटर ट्रक में चढ़कर फरार हो गया। लगभग 2 दर्जन अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, उनका तलाशी अभियान चल रहा है, उनके पीछे उस टीम लगी हुई है, हम लोग भी पीछा कर रहे हैं। प्लस जो मेन आरोपी था उसके घर का भी लेखा जोखा लिया जा रहा है, रेवेन्यू टीम भी नाप रही है, काफ़ी हिस्सा इसमें सरकारी भूमि पर बना हुआ है, तो अकॉर्डिंगली अभी UIT से निवेदन करके इस पर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। NEB थाने की हिस्ट्री शीटर फिरोज खान पर व्यापारी को हत्या की धमकी देकर रंगदारी मांगने, लूट की वारदात करने के 12 केस दर्ज हैं। फिरोज पर गैंग के साथ मध्य प्रदेश में 6 पेट्रोल पंप लूट की वारदात करने का भी गंभीर आरोप है। लूट मामले में 1 महीने पहले ही वह जमानत पर छूटकर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कश्मीर बीजेपी की सियासत में एक बार फिर कोर एजेंडे में आता दिख रहा है। कश्मीर के जल्द स्टेटहुड का दर्जा बहाल होने और वहां चुनाव जल्द कराए जाने की खबरों के बीच बीजेपी भावी तैयारियों में जुट गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर धारा 370 को याद रखने के लिए आज से यानी कि बीजेपी ने विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है और एक बार फिर POK का बयान दोहराया गया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। बीजेपी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज फिर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में मिले के अपने संकल्प को दोहरा दिया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मुखर्जी ने जो नारे दिए उन्हें पूरा करने का काम PM मोदी ने कर दिया और अब तो कश्मीर में हुए परिसीमन में विधानसभा की 24 सीटें खाली छोड़ी गई हैं, जो बीजेपी के भावी इरादों को दर्शा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी को कि अभी जो डिलिमिटेशन हुआ है उस डिलिमिटेशन में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हमने 24 विधानसभा की सीट खाली छोड़ी है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमारे आएगा तो थोड़ी सीटों पर निर्वाचन करा जाएगा। इतना बड़ा हमने काम किया, जो नारा दिया था डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उसको पूरा करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। किसी ने कल्पना नहीं की थी मित्रों, धारा 370 जो 70 साल का दंश 70 मिनट में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उठाकर बैठे गए और आतंकवादियों की शादी पर नरेंद्र आरोप देंगे कि भारत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं ले सकती। अब ऐसे दौर में जब पीएम मोदी ने कश्मीर का हाल ही में दौरा किया और चर्चा है कि कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो सकता है और वहां विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, इसके लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी है। ऐसे में पाक अधिकृत कश्मीर के परिसीमन में 24 सीटें खाली छोड़ा गया। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधने की रणनीति बना ली। सबसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपने प्रत्येक अपने कैंपस में, अपने स्कूल में, अपने शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक इस सघन वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई है। हमारी प्रदेश की सहप्रभारी आदरणीय विजयाताई जी के उपस्थिति में और ये अभियान 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। कश्मीर बीजेपी के लिए हमेशा भावनात्मक मुद्दा रहा और राष्ट्रवाद सर्वोपरि जाहिर सी बात है। बीजेपी किसी कार्यक्रम की शुरुआत करती है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। फिलहाल लोग तीसरी बार की मोदी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो POK को भारत में मिलाने के लिए कुछ जरूर बड़ा करेंगे। बीजेपी के अभियान से यही संकेत दिखाई दे रहा है। जयपुर से बाबूलाल घायल की रिपोर्ट।
और इधर जेजेएम योजना में भ्रष्टाचार से की गई अकूत काली कमाई को अब भ्रष्टाचारियों ने खुलेआम तिजोरियों में भरना शुरू कर दिया है। सरकारी महकमों में बड़ी बड़ी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाकर कंपनी एक्ट की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे प्रदेश के सबसे बड़े जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार से कमाई गई अकूत दौलत और भ्रष्टाचारियों की तिजोरी पर जांच एजेंसियां पूरी तरह से खामोश है। देखिए, जल जीवन मिशन योजना में श्रीश्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी की ओर से इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ रुपए के घोटाले में नया मामला सामने आया। जलदाय विभाग में टेंडर हासिल करने के लिए इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर कंपनियों के मालिक पदम चंद जैन ने नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए का भुगतान उठा लिया। ठेकेदार पदम चंद जैन के फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के साथ साथ जलदाय विभाग की ओर से भी की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस घोटाले में ठेकेदार पदम चंद जैन ने 500 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकाले, उस राशि पर कोई भी जांच एजेंसी एक्शन नहीं ले रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि जल जीवन मिशन घोटाले में सरकारी खजाने से निकाली गई 500 करोड़ रुपए की राशि से पदम चंद जैन ने कहां कहां कौन कौन सी निजी संपत्तियां खरीदी है। पदम चंद जैन ने घोटाले के पैसे से जयपुर में आमेर तहसील में बड़ा निवेश किया और आमेर तहसील के टाकेवास गांव में 8 बीघा जमीन खरीदी है, जिसका बाजार में 25 करोड़ का भाव। जल जीवन मिशन महाभ्रष्टाचार में जिस तरीके से ठेकेदारों ने लूट खसोट की है और जो योजनाओं का पैसा है उससे अपनी निजी संपत्तियां खरीदी गई हैं, इस वक्त हम जयपुर के टाटियावास गांव में हैं। यहां पर ये ठेकेदार पदम चंद जैन का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किले नुमा ये जो फार्म हाउस है इसको ठेकेदार पदम चंद जैन ने खरीदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन खरीदी गई है ये जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी गई है, यानी श्याम ट्यूबवेल कंपनी के बैंक खातों से ये पैसा निकाला गया है और उसके बाद पदम चंद जैन ने ये जमीन खरीदी है। वहीं इसके अलावा ठेकेदार पदम चंद जैन की पत्नी राज दुलारी के नाम पर भी बेहिसाब संपत्तियां। पदम चंद ने अपनी पत्नी के नाम पर जयपुर के पौश इलाके दुर्गापुरा में 390 गज की जमीन भी ली, साथ ही सांगानेर में भी करोड़ों की जमीनें खरीदी जिनका भुगतान श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खातों से किया गया। इस गांव के जो सरपंच हैं शैलेंद्र बोहरा, उनसे बात करते हैं कि सरपंच साहब, ये जो जमीन है पदम चंद जैन के नाम पर है, किस तरीके से इसका रिकॉर्ड है, कब खरीदी गई, किसके नाम थी पहले, किस तरह की बातचीत है इसकी? ये जमीन वर्ष 2022 में मेरे को ध्यान आ रहा है कि 2022 में ये जमीन खरीदी गई है और 2022 में इसका नामांतरण ग्राम पंचायत में आया था और वो हमने स्वीकृत किया था, ग्राम पंचायत ने स्वीकृत किया था। कसरा नंबर 571, 572 और 573 और 580 बटा कुछ है, ये 5 कसरे हैं जिसमें लगभग 7.5 बीघा जमीन, 1.92 हेक्टेयर जमीन है कुल जमीन, और इसको वर्ष 2022 में खरीदा था उसका नामांतरण ग्राम पंचायत। ठेकेदार पदम चंद जैन सरकारी खजाने के पैसों को अपने और अपने परिजनों के नाम पर बंदर बांट कर रहा है। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच शुरू होते ही उसने कंपनियों के खातों में जमा पैसे को अपने खातों में ट्रांसफर कर। और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।